एक बच्चा घोड़े पर सवार होकर जंगल में घूम रहा था। सभी जानवर उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। बाघ ने भालू से कहा, ये अजीब सा इंसानी बच्चा कौन है? पता नहीं महाराज, मुझे तो इससे बड़ा डर लग रहा है। अचानक बच्चा घोड़े से नीचे उतर गया। बच्चे ने कहा, मुझे वो जानवर दे दो जिसने मेरे पिता को मारा है। मैं उसी इच्छाधारी नाग का बच्चा हूँ जो इसी बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे। ये सुन गाय ने बाघ से कहा, अरे महाराज, ये बबलू और डब्लू के बारे में पूछ रहा है। बाघ ने उसे चुप रहने को कहा। कोई जवाब न मिलने पर बच्चा जंगल को तबाह करने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बाघ समझ गया ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। बाघ दौड़कर बच्चे के पास आया और उसे बबलू और डब्लू के बारे में बता दिया। बच्चा एक गुफा पर आया, उसमें दो लकड़बग्घे सो रहे थे। बच्चे ने पूरी गुफा के ही चीथड़े उड़ा दिया और अपने घोड़े के साथ अदृश्य हो गया।